पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। संजय राउत जैसे नेताओं को जवाब नहीं देता, फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र में एक निजी चैनल का सत्ता सम्मेलन हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए फेक नैरेटिव और वोट जिहाद का जिम्मेदार ठहराया। फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद विधानसभा चुनाव में काम नहीं करेगा। संजय राउत के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राउत के स्तर के व्यक्ति का जवाब नहीं देते, बयानबाजी जारी। मैं कोई साध्वी नहीं, 2 लाख रुपए के बैग को लेकर ट्रोल हो रही जया किशोरी ने पहली बार दिया जवाब। मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी की एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड बैग के साथ देखे जाने पर ट्रोलिंग हो रही थी। इस बैग की कीमत 2 लाख बताई जा रही है। अब खुद जया किशोरी ने इस मामले में कहा कि वो एक साध्वी नहीं सामान्य लड़की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं युवाओं से भी यही कहती हूँ कि मेहनत करें, पैसा कमाएं, खुद को अच्छी जिंदगी दें, सपनों को पूरा करें। मैं परिवार के साथ रहती हूँ। दिल्ली बंगाल सरकार पर बरसे पीएम मोदी, अपने स्वार्थ के लिए लागू नहीं की आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए दिल्ली और बंगाल सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इन राज्यों के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनकी सरकारें राजनीतिक कारणों और स्वार्थ के चलते इसे लागू नहीं कर रही हैं। पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी शामिल करने की बात कही। सीएम आतिशी की दिल्ली वासियों को चेतावनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 महीने बचे हैं। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को दिल्ली की सीएम आतिशी ने हरिनगर में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और केजरीवाल का संदेश दिया। आपको बता दें, आतिशी ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो मुफ्त बिजली पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं का बस सफर और मुफ्त तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। पीएम मोदी ने यूविन पोर्टल को किया लॉन्च, बच्चों के वैक्सीनेशन का रखेगी ख्याल। पीएम नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती के अवसर पर यूविन पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए जन्म से 17 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने एम्स नई दिल्ली, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ से अधिक नई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। देश के सबसे महंगे एक्टर बने अल्लू अर्जुन, थलपति विजय को दी मात, पुष्प 2 के लिए इतनी फीस। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल की रिलीज का फैंस इंतजार कर रहे हैं। सुकुमार निर्देशित ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन इस फिल्म से मोटी फीस वसूल कर देश के सबसे महंगे स्टार बने हैं। पता चला है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 से 300 करोड़ रुपए बतौर फीस के लिए हैं। वे देश के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। भाजपा सत्ता में आई तो आदिवासियों को मिलेगी जमीन, बोले चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को कहा कि आदिवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों की साजिश से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो आदिवासियों की कथित तौर पर हड़पी गई जमीन उनको वापस लौटा दी जाएगी। काचरी की सब्जी सेहत का खजाना, कई रोगों से दिलाती है निजात। राजस्थान में उगने वाली काचरी की सब्जी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये एक जंगली बेल होती है जो साल में सिर्फ 3-4 महीने मिलती है और इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसका उपयोग चटनी, अचार और सब्जी बनाने में किया जाता है। काचरी की सब्जी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, पथरी को तोड़कर बाहर निकालने में मदद करती है। इसे गरीबों का ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।